नमस्कार दर्शकों, साहू टेक्नो गाइड में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रीटेक कंपनी का 8 प्लस मॉडल का मिनी वायरलेस कीबोर्ड विथ माउस। ये बहुत ही छोटा साइज का है और बहुत ही हैंडी है। इसको आप आपका स्मार्ट टीवी में यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड बॉक्स में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका अनबॉक्सिंग। आप जैसे हमारा कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन आता है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है हमारा रीटेक i8 वायरलेस कीबोर्ड विथ माउस है। ये बॉक्स पे आपको हम ओपन कर देते हैं। तो ये है उसका ओरिजिनल बॉक्स पैक। तो इसको हम ओपन कर देते हैं। तो ये बॉक्स ऐसे ही ओपन आता है, कुछ सील पैक नहीं रहता इसमें। तो इसके अंदर है हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट। तो इसके साथ ये यूएसबी केबल आता है। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल भी है, जैसे आप यूएसबी में लगा के इसको कीबोर्ड में लगाते हैं, उसके साथ दूसरा भी यूएसबी आप यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये कुछ यूजर मैनुअल आता है, तो ये इंग्लिश में है। तो ये री का कुछ थैंक्स करके कुछ पेपर है यहाँ पे। तो ये है एक्चुअली हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ये कीबोर्ड देखिए, ये इतना सा है। अगर हम पाम में रखते हैं तो ये हमारा पाम में इतना तक आ जाता है। तो आज लाइक जस्ट एक टाइप का आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये उसका टच पैड है। तो यहाँ से इसका क्लोज लुक देख लीजिए। तो ये है हमारा वायरलेस कीबोर्ड विथ माउस। तो यहाँ पे लिखा गया है सिंगल टैप करेंगे तो लेफ्ट माउस है, डबल टैप करेंगे तो राइट माउस है, और डबल फिंगर में ड्रैग करेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो आप जो पेज है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कीबोर्ड आप देख सकते हैं, ये आपका लैपटॉप का कीबोर्ड जैसा ही है। यहाँ पे लेफ्ट बटन है माउस का और यहाँ पे राइट बटन है माउस का, और यहाँ पे भी सेम लेफ्ट बटन दिया गया है, राइट बटन दिया गया है। जैसे हम इसको हाथ में ऐसे पकड़ के कुछ करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट बटन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे राइट बटन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड रिव्यू का है, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का है, यहाँ पे पॉज एंड प्ले है, और यहाँ पे चार नेविगेशन बटन है, और यहाँ पे ओके बटन है, यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीमीडिया के लिए है, यहाँ पे म्यूट बटन दिया गया है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे होम है, और यहाँ पे फंक्शन की भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे प्रेस करके आप ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का काम करेगा। यहाँ पे कुछ कुछ उसका शॉर्टकट दिया गया है फंक्शन का। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक है, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे दो दिया गया है, दो साइड में थोड़ा रॉक टाइप का, जो कि आपका ये ग्रिपिंग के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे उसका यूएसबी का स्लॉट दिया गया है और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। और हम बैक साइड में आते हैं तो बैक साइड में यहाँ पे रीमिनी i8 प्लस जो मॉडल है ये लिखा गया है, और इसमें इनबिल्ट जो है वो 300 mAh का बैटरी है, और ये 5 वोल्ट का है, और यहाँ पे मेड इन चाइना दिया गया है। तो यहाँ पे उसका जो मिनी रिसीवर रहता है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये रिसीवर आपका जो भी डिवाइस में ये रिसीवर लगेगा। और यहाँ पे अभी हम पावर बटन ऑन करते हैं। तो पावर बटन ऑन करने से यहाँ पे तीन लाइट दिया गया है, तो ये ऑन है तो ये लाइट ऑन रहेगा। और यहाँ पे सेकंड जो लाइट है ये बैटरी का सिंबल है, जैसे आपका बैटरी वगैरह डाउन होता है तो ये ऑन होगा। और थर्ड है ये वायरलेस का, अभी ये डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो इसीलिए ये लाइट ऑफ हो गया। तो अभी हम उसका चार्जर में कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि ये चार्ज कैसे होता है। तो अभी मैं ये पावर बैंक लिया हूँ, पावर बैंक में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। और इसका जो केबल वगैरह है ये भी अच्छा क्वालिटी का है, जैसे यहाँ पे उसका कंपनी का ब्रांडेड दिया गया है। और ये जो केबल है ये अच्छा क्वालिटी का केबल है, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे चार्ज हो रहा है। जैसे हम ये स्लॉट दिया गया है इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे की यूएसबी लाइट लैब को लगा के दिखाता हूँ तो ये काम करता है कि नहीं आपको पता चलेगा। देखिए ये काम करता है, जैसे आप इसको चार्ज कर रहे हैं उसके साथ साथ आप कोई भी यूएसबी डिवाइस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप आपका स्मार्ट टीवी में इसको यूज कर सकते हैं, या आपका जो एंड्रॉइड टीवी, अगर एंड्रॉइड बॉक्स रखे हैं टीवी में कनेक्ट किए हैं तो इसमें यूज कर सकते हैं।
इसमें जैसे कुछ ब्राउज करते हैं यहाँ पे तो आपका लैपटॉप जैसा आपको कीबोर्ड यहाँ पे मिल जाता है, और आपका मोबाइल में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ओटीसी केबल लगा के अगर या इसको रिसीवर को लगाएंगे तो ये कीबोर्ड आपका लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। ये जो वायरलेस कीबोर्ड विथ माउस है इसका बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ये आपको जैसे प्रीमियम क्वालिटी जैसे फील होगा। तो मैं रिव्यू सेक्शन में आपको लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखाऊंगा, मोबाइल में कनेक्ट करके दिखाऊंगा, और आपका जो भी एंड्रॉइड बॉक्स होगा उसमें कैसे कनेक्ट होता है वो दिखाऊंगा, और कौन कौन सा की कैसे फंक्शन होता है इसमें वो भी दिखाऊंगा। जैसे ये विंडो बेस है कीबोर्ड, तो ये विंडो में सभी कीबोर्ड लगभग काम कर जाएगा, तो एंड्रॉइड में कितना की कैसे काम करता है वो भी आपको रिव्यू सेक्शन में दिखाऊंगा। तो ये मिनी वायरलेस कीबोर्ड विथ माउस का अनबॉक्सिंग वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस टाइप का वीडियो आपके लिए रोज लेके आता हूँ। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए। साउ टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ।